नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है पहले समय में 5,000 महीने कमाने वाला पिता भी 4-4 बेटियों की शादी बड़े आराम से कर देता था, और आज लाख रुपए महीने कमाने वाला पिता भी एक बेटी के विवाह में कर्जदार हो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें सारा दोष महंगाई का है, तो सुनिए, यहाँ केवल महंगाई को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो आपकी आमदनी भी बढ़ी है। पहले जरा एक नज़र अपने नाजायज खर्चों पर डाल लीजिए। उस समय एक तौलिया से पूरा परिवार नहाता था, और कमाल की बात है बीमारियां बहुत कम होती थीं, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती थी। परंतु आज हाइजीन के नाम पर हर सदस्य का अलग टॉवल है, इसके बावजूद भी हर रोज़ घर का कोई ना कोई सदस्य डॉक्टर रूपी भगवान के दर्शन करने पहुँच ही जाता है। हाथ धोने के लिए साबुन नहीं लिक्विड हैंड वॉश चाहिए, क्योंकि साबुन से कीटाणु ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर वह कीटाणु ट्रांसफ़र कर देता है तो वह साबुन ही काहे का है। यह तो वही बात हो गई, कीड़े मारने वाली दवा में भी कीड़े पड़ गए। टॉयलेट का हार्पिक अलग, बाथरूम का हार्पिक अलग, टॉयलेट की बदबू दूर करने के लिए खुशबू छोड़ने वाली टिकिया अलग, बाल धोने के लिए शैम्पू ही पर्याप्त नहीं, कंडीशनर भी चाहिए। तेल से बालों में चिपचिपाहट होती है, इसलिए बालों को सिल्की बनाने के लिए सीरम भी ज़रूरी है। साथ साथ हर सदस्य को गोरा बनाने वाली क्रीम तो है ही ज़रूरी। दांत साफ करने के लिए कॉलगेट ही पर्याप्त नहीं, दांतों की बदबू दूर करने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। दूध जो खुद शक्तिवर्धक है, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हॉर्लिक्स भी चाहिए। मुन्नी का हॉर्लिक्स अलग, मुन्नी की मम्मी का अलग, बड़े भाई का अलग, हर सदस्य के हाथ में अलग मोबाइल, सोशल मीडिया हर सदस्य के जीवन का ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है। 24 घंटे भोजन किए बिना आराम से रह सकते हैं, परंतु 2 घंटे के लिए रिचार्ज खत्म हो गया तो मानो जिंदगी खत्म हो गई। सब्जी भाजी के साथ समझौता कर सकते हैं, परंतु महंगे रिचार्ज के साथ 2 घंटे भी समझौता करना असंभव है। और न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनकी अगर हम गिनती करने बैठें तो गिनती खत्म हो जाएगी, पर चीज़ें नहीं। तो श्रीमान जी, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि पहले समय में 5,000 कमाने वाला पिता 4-4 बेटियों की शादी कैसे कर देता था। आज के ज़माने में सारा दोष महंगाई का नहीं, कुछ आपकी बदलती सोच का भी है। सीमित साधनों के साथ स्वदेशी जीवन शैली अपनाने का प्रयास करें और अपना पैसा बचाएं। धन्यवाद।